बहुत दिनों बाद मिला हूँ आज, ठीक है। तो आज करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का, ठीक है। क्लास 11 के लिए है, जो कि आप लोगों को मैं बहुत दिन से कुछ सोच रहा था ये बताऊँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो मेजरमेंट ऑफ क्या रहेगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। एंगल को मेजर कैसे करेंगे, इस सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एक लाइन होता है, एक और लाइन होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु ले लीजिए, ये बी बिंदु, ठीक है। ये हो जाएगा इनिशियल लाइन, ठीक है, इनिशियल साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये हो जाएगा टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड, ठीक है। यह हो जाएगा इनिशियल साइड, ये हो जाएगा टर्मिनल साइड। अब इन दोनों के बीच में जो बनेगा अमाउंट, जो रोटेशन का अमाउंट होता है, ठीक है, वही हमारा एंगल थीटा होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। और एंगल का डिफिनेशन आप कहेंगे कैसे देंगे, तो देखिए एंगल मेजर कैसे करेंगे ये तो समझ में आ गया। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन हो जाएगा द अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन इनिशियल साइड टू इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड का जो अमाउंट का रोटेशन होगा वही हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ यहाँ दौ लगाती है द अमाउंट ऑफ रोटेशन इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज कॉल्ड जी मेजर ऑफ एंगल, ठीक है। ये आपका एंगल का डिफिनेशन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एंगल का डिफिनेशन हो गया। तो आप यहाँ पे एंगल लिखेंगे और शायद आपको ये समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनिशियल साइड बोलेंगे, इसको टर्मिनल साइड बोलेंगे, इन दोनों के बीच में जो रोटेशन का अमाउंट होगा वही क्या हो जाएगा, एंगल होता है, ठीक है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे थीटा का वैल्यू होता है वो आपको डिग्री में भी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री 20 डिग्री 15 डिग्री 45 डिग्री जो भी हो, इस टाइप से बहुत सारा डिग्री होता है। और यहाँ पे थीटा का मान रेडियन में भी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिग्री में होता है, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका जैसे कि पाई हो या पाई बाय थ्री हो, 2 पढ़ लीजिए पाई बाय थ्री हो गए, पाई बाय फोर, ये सब जो हो जाएगा वो रेडियन हो जाएगा, ठीक है। ये इसको हम रेडियन में डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको हिंदी में भी वैसा ही बोलते हैं रेडियन, ठीक है, ठीक है। और इसको बोलते हैं डिग्री, हिंदी में भी बोलते हैं डिग्री, हिंदी में भी बोलते हैं अधिकतर डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज के बाद आपको ये समझना है कि आपको कुछ रेडियन डिग्री से रेडियन में आना है और रेडियन से डिग्री में बदलना है, कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर एक डिग्री दिया हुआ है, सपोज है हम डिग्री मान लिए, तो यहाँ पे हमको रेडियन बदलना है, तो पाई ऊपर जाएगा, ठीक है, और 180 नीचे आएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, जो भी आएगा वो पाई बट्टा क्या हो जाएगा, 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है, 180 रेडियन हो जाएगा। अब कार्ड के जो भी आएगा वैल्यू वो आप निकाल लीजिएगा, लेट निकालने का मतलब यहाँ पे लेटर हो गया क्या फिर रेडियन, ठीक है। अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो ऐसे करेंगे 180 से पाई बटा 180 से गुना कर देंगे। अब वही अगर आपको एक रेडियन मान लीजिए, एक रेडियन का साइन ये होता है, ठीक है, इसका हम साइन ऐसे लिख सकते हैं, अगर नहीं कुछ लिखा आता है तो इसका मतलब रेडियन समझा जाता है। अब वही अगर डिग्री का साइन होना चाहिए, अगर डिग्री का साइन नहीं होगा तो हम क्या समझेंगे, वो रेडियन में है, ठीक है। इसमें रेडियन को हम बिना साइन का सी से भी लिख सकते हैं, 1 रेडियन को हम अब 180 बट्टा पाई से गुना कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 180 बट्टा पाई डिग्री बन जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाला समझ आ गया होगा कि आप कैसे भी आप किसी भी चीज को बदलिएगा, मान लीजिए कि आपके पास 60 डिग्री है, ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन कर रहे हैं कि 60 डिग्री है, इसको आप बदलना है, ठीक है, तो आप 60 डिग्री क्या करेंगे, पाई बट्टा 180 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइड किया कर जाएगा तो पाई बाय 3 हो गया, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि मतलब 60 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, पाई बाय 3 के बराबर होता है, ठीक है। ऐसा ही अगर मान लीजिए कि
अब हम उल्टा इसका एग्जाम्पल इसका दे देते हैं। मान लीजिए कि पाई बाय टू लिखा हुआ है, पाई बाय फोर ले लीजिए, चलिए फोर ले लीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे डिग्री में लाना है, ये रेडियन में है, कुछ नहीं है साइन, इसका मतलब डिग्री में, रेडियन में है, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, इसका मतलब रेडियन समझना है, क्लियर। तो यहाँ पे पाई बाय फोर हो गया, और पाई बाय फोर को हम लोग क्या करेंगे, 180 बट्टा पाई से गुना कर देंगे, ठीक है। अब पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे पाई से फोर से काटेंगे तो ये 45 आएगा, यानी कि 45। तो इस तरीके से हमारा रेडियन से डिग्री बना सकते हैं, डिग्री से रेडियन ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे कि और भी पूछते हो, जैसे कि आप 60 रेडियन को आप कैसे लाएंगे, तो 7 रेडियन है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 180 बट्टा पाई से गुना करना है, ठीक है, यही ना करना है। एग्जाम्पल अगला हम दे दिए, अगर 7 रेडियन रहेगा तो आप क्या करेंगे, कि 7 रहेगा ही, अब यहाँ पे 180 हो गया, तो आप यहाँ पाई का मान कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे पाई कटने वाला नहीं है, जब नहीं कटने वाला रहेगा तो पाई का मान कितना रखेंगे, 5 बटा 7, तो यहाँ पे देखिए 7 × 7 हो जाएगा, गुने 180 हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा, 22। अब काटिए जो कटेगा कितना आएगा, 11, और यहाँ पे और पूरा कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 7 × 7 = 9, 4 × 9 करना है, बटा में क्या आ गया, 11, इसको गुना फिर से कर दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा, 22 हो रहा है, जो इसकी आवाज़ आ रहा है, मैं चाहता हूँ, ठीक है, और यहाँ रोड साइड पहुँचेंगे इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए 49 × 9, तो 9 × 81 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 9 × 36, 36 कितना आएगा, 54 आएगा, अच्छा में 11, ठीक है, 11 × 12 आएगा कितना आएगा, 11 × 44, ठीक है, 44, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 11 × 44, यहाँ पे एक बार जाएगा तो 0 हो जाएगा, एक पे जाएंगे बाहर, यहाँ पे 10 में लाएंगे 10 में भी लाएगा तो 400 हो गया, और यहाँ पे 10 में उसके बाद 100 आ जाएगा तो 100 पे 11 × 9 आएगा, यानी कि चलिए कि 10 जो हो गया 10 बटा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना पूर्णांक इतना बटा इतना लिख सकते हैं, ठीक है, तो इतना लिख दिया। अब हमको इसमें देखिए और डिटेल से इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है 400 और 10 × 11, तो यहाँ पे 400 रहेगा, और फिर यहाँ पे 10 लिखा है बटा 11, इसको साइड से गुना कर दीजिए, मिनट में बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये डिग्री हो जाएगा, और ये हो गया मिनट में। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि 400 रहेगा, आप प्लस में इसको गुना करेंगे 600 हो जाएगा, 600 में 11 से भाग आएंगे कितना आएगा, ये दोनों को गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 600 में 11 से भाग आएंगे तो कितना आएगा, 11 × 55, और 5 बचेगा 11 × 5 = 50, तो 11 × 44 मिनट हो जाएगा, ठीक है, 54 मिनट हो गया। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 1 सेकंड, अब यहाँ पे बचेगा कितना, तो 11 × 6 बचेगा, 6 × 11 बचेगा, इतना हो गया। फिर से आप इसको क्या कर दीजिए, साइड से गुना कर दीजिए, 6 × 36 यानी कि 360 आ जाएगा, इधर गुना करने पर 360 आएगा। तो इस तरीके से आपको अगर यहाँ पे नहीं बनना है तो आपको ऐसे एनालाइज करते जाना है, ठीक है, और आपको बता रहे हैं कि 400 हो गया, ठीक है, 400 डिग्री प्लस में 54 मिनट, और इसको अगर गुना करेंगे 6 × 36 तो 360 में 11 से भाग आएंगे तो 11 × 33 आएगा, और 3 × 0 = 30 हो जाएगा, 30 में 200 रहेगा, तो यहाँ पे प्लस में 32, यहाँ पे 32 सेकेंड अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्स हो जाएगा, क्लियर, अप्रोक्स हो जाएगा लगभग, क्लियर। तो इस तरीके से बनाएंगे, और इसमें हम आपको जैसे कि यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है, 60 का इसका यूज किया, अगर मान लीजिए कि आप भागे लगेगा तो आप यहाँ से जिस चीज से भाग आए उससे कम आ रहा है ऊपर में, क्या हो जाएगा आपका, मतलब साइड से गुना कर दीजिएगा, एक डिग्री मिनट का होता है, 60 मिनट होता है, इसको यहाँ पर ये साइन होता है मिनट का, और ये मिनट हो जाता है, मिनट बोलते हैं, और फिर यहाँ पे एक मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है, इसको सेकंड बोलते हैं, इस चीज को आप भी नोट करके लिख लीजिए, और कितना हो गया आपका पार्ट वन का, तो आप इसके साथ साथ बता के आपको खुद से बताते हैं, ठीक है। अब एक चीज और कि यहाँ पे देखिए
जो होता है डिग्री, ठीक है, डिग्री बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 90 होता है, ठीक है, डिग्री बट्टा 90। और यहाँ पे ग्रेड, ग्रेड जो होता है ग्रेड बाय ये होता है 100, ठीक है, ग्रेड बट्टा 100। और यहाँ पे टू रेडियन बाय, टू रेडियन बाय 5 होता है, इतना होता है। तो इस तरीके से देखिए रेडियन मतलब शून्य होता है, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिग्री हो जाएगा, डिग्री यानी कि डिग्री में अगर कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा, दो से गुना करेंगे तो 180 बन जाएगा, 180 बटा 5 हो जाएगा, क्लियर। अगर ग्रेड में बदलना होगा तो एक ग्रेड में कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 100 ऊपर जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा, तो 100 गुना 200 हो जाएगा, 200 बटा हो जाएगा 5, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे नाप सकते हैं और माप सकते हैं। तो यहाँ पे कितना याद रखना है, क्या चीज है, एक थीटा डिग्री है, ठीक है, मान लीजिए थीटा डिग्री है, डिग्री है, इसको हम क्या लिखेंगे, ये थीटा गुणे 5/180, ये तो बता दिए आपको, क्लियर। अब यहाँ पे देख लीजिए इसी को आप क्या करिएगा, एक थीटा को 10/9 से गुणा कर दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये ग्रेड में बन जाएगा, ठीक है, ग्रेड, क्लियर। यहाँ पे देखिए ये 100 जो है यहाँ पे आ गया बट्टा में 5 गया। तो अब यहाँ पे या तो डिग्री के साथ इसके साथ लीजिए कंपेयर, वो रेडियन में आएगा, और इधर करिएगा कंपेयर दोनों के साथ, ठीक है, दोनों के साथ कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा, ये भी फॉर्मूला आपको बहुत काम देगा, तो आप देख लीजिए कॉम्पिटिशन में एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ, और यहाँ पे देखिए आपको रेडियन में रहेगा, रेडियन में थीटा रेडियन, ठीक है, थीटा रेडियन रहेगा, थीटा बने आपको पता है कि 5/180 आएगा, रेडियन का सी होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा, तो 2 रेडियन निकाला है 100, यानी कि 200 हो जाएगा, 200 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, तो 9 लिख सकते हैं, ग्रेड में है तो डिग्री में लिखो, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए थीटा ग्रेड है, थीटा ग्रेड है, इसको क्या क्या लिख सकते हैं, थीटा इंटू 5/200, ठीक, किसका उल्टा हो गया, तो इतना इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं, क्लियर। तो आपको ये याद रखना है, और ये याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ आप देखिए क्या होता है, एक होता है शिक्षा जिसमल, जिसमल शिक्षा जिसमल को हम लोग क्या करते हैं कि सिस्टम है, सिस्टम इसी का दूसरा नाम क्या किया है, इसका दूसरा नाम है डिग्री में मेजर, ठीक है, डिग्री मेजर, ठीक है, ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। और एक जो है जो सर्कुलर मेजर, सर्कुलर सिस्टम, इसको हम रेडियन में मेजर करते हैं, रेडियन क्या हो गया, तो आप समझ आया होगा कि सेक्शन जिसमें जो है सेक्शन जैसी जो है सिस्टम वो क्या है, डिग्री में मेजर होगा, और सर्कुलर सिस्टम जो है वो डिग्री में मेजर होगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको ये क्या और बता देते हैं, चलिए अगर मतलब यहाँ पे L जो है वो क्या है, तो यहाँ पे ये सर्किल है आपका, ये सर्किल है, ये क्या है सेंटर, सेंटर O हो गया, तो यहाँ पे क्या है ये रेडियस R हो गया, एक और रेडियस हो गया ये R, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे R, ठीक है, R बोलेंगे, ये R, ये R, ठीक है। यहाँ पे L जो हो गया उसको हम लोग बोलेंगे R, लेंथ ऑफ R, ठीक है, लेंथ ऑफ R, ठीक है, और R जो है वो तो रेडियस है, रेडियस यहाँ पे ये जो है ए बी, यहाँ पे लिखे थी, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे ए बी जो हो गया वो ए बी को बोलते हैं, एल तो लिखा चुका है, चलिए यहाँ पे लिखा गया है ये ए बी हो गया,
फिर इसके साथ यहाँ पे जो बनेगा वो थीटा होगा, थीटा ये आपको रेडियन में देना पड़ेगा, कैसे में देना होगा, रेडियन में थीटा हो जाएगा वो रेडियन में, थीटा एंगल, ये एंगल होगा इन रेडियन, ये भी लिख दिया ठीक है। अब सर्कुलर मोशन का जो भी सवाल होगा उसको आपको क्या करना होगा, रेडियन में लेकर बनाना होगा ठीक है। अब यहाँ पे इसमें आपको ये याद रखना है कि एक रिलेशन होता है जो एल आर और थीटा के बीच रिलेशन होता है। आपको एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो होता है इसको हम लोग कोड कहते हैं ठीक है। कोड अगर कह दिया जाए तो आपको एक चीज और पता चलेगा कि यहाँ पे अगर 60 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे सम बाउंस भी बन जाएगा ठीक है। सम बाउंस मतलब 60 तीनों हो जाएगा बराबर। आपको ये पहचाना होगा जिस हिसाब से सवाल आएगा उस हिसाब से पहचान होगा। तो पहले इसको देखिए कि ये कोड हो, आर हो गया, ये हो गया रेडियस, ये भी रेडियस, और यहाँ हो गया सेंटर ऑफ सर्कल ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है दोनों के बीच, एल इक्वल टू आर थीटा ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ठीक है। और इसको आसान है फॉर्मूला प्रूव करना, क्योंकि आप देखिए अगर एक सर्किल ये भी है और यहाँ पे सेंटर है, ये ऐसा है, ये ऐसे है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर मान लीजिए कि ये भी अगर वन यूनिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ चलिए आ जाएगा, यहाँ पे वन यूनिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन रेडियन हो जाएगा ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ दो दे होगा मतलब दो रेडियन है तो ये भी क्या हो जाएगा, डेढ़ रेडियन, यहाँ पे ये हो जाएगा डेढ़ रेडियन, टू रेडियन, ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ ए है, बी है और यहाँ पे सी है, इसमें लंबाई क्या होगा, एक थीटा होगा, मान लो यहाँ पे क्या हो गया थीटा वन, तो ये हो जाएगा कितना, थीटा टू क्लियर। तो यहाँ पे जो भी होगा थीटा के डिपेंड करता है क्या चीज, उसका आर्क का लेंथ, क्या थीटा भी डिपेंड करता है उसके आर्क के लेंथ पे, अगर वो लंबाई बड़ा होगा तो थीटा बड़ा होगा क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप इसका दो ट्रायंगल दिखा देता है, अगर यहाँ पे सर्किल में ये छोटा सा भाग ले जाए यहाँ का भाग, या तो बड़ा सर्किल बना लिया तो यहाँ से इतना उनका भाग जो नहीं जाएगा वो क्या बनेगा, वो एक रेडियन यानी कि एक रेडियन लेंथ का भाग लीजिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपको, एक रेडियन का लेंथ यानी कि ये बन जाएगा आपका एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगा आपको ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये लंबाई जो होगा और ये लंबाई वो क्या बनेगा, रेशियो ट्राइंगल के जैसा बन जाएगा ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे एंगल ऑफ लिख सकते हैं क्या चीज, बी ओ ए, बी ओ ए बटा क्या हो जाएगा, बी ओ सी, बी ओ सी ये एंगल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ये छोटा सा लेंथ यानी ए बी बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक सेकेंड, ये ए बी बटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी हो जाएगा, बी सी इतना हो जाएगा, इस तरह से अनुपातिक हो जाता है। और यहाँ पे कहा जाए तो ये रेडियस भी बराबर हो जाएगा ठीक है, यानी आर बटा आर हो जाएगा, ये डिपेंड करता है वही आएगा। तो इसको आप देखिए इसको प्रूफ करने का ठीक है, तो एक जो था ऐसा ही ठीक है, ये सेंटर है, यहाँ पे एक रेडियन है और यहाँ पे एक रेडियन ये भी बनेगा ठीक है। फिर से यहाँ मान लीजिए एक आर्क बनेगा जो कि आप यहाँ पे थीटा हो गया ठीक है, ये पूरा क्या हो गया थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए है, बी है, सी है, यहाँ पे ओ है। तो आप क्या करिएगा, ये यहाँ पे सॉरी ई वाला जो रेंट होगा वो आपको आर आर होगा ठीक है, ये आर है, ये आर है, तब ये एक रेडियन बनेगा, तो ये आर रहेगा, ये आर रहेगा, तो ये एक रेडियन बनेगा ठीक है, और ये भी आर है, तो इसीलिए यहाँ पे ये आर रहेगा तो यहाँ पे एक रेडियन बनेगा, और यहाँ पे आर रहेगा ठीक है, एल रहेगा, वो एल रहेगा ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों क्यूब में कि कितना बटा क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे फोर एंगल ऑफ ए ओ ठीक है, ए ओ बी ठीक है, ए ओ बी बटा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ ए ओ सी, एंगल ऑफ ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये लंबाई बटा ये लंबाई ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ए जी बटा क्या हो जाएगा ए सी ठीक है, ऐसे प्रूफ करेगा।
तो आपको ये पता है कि एओ बी कितना है, तो एओ बी यहाँ पे 1 रेडियन हो गया, और यहाँ पे कितना है ये वाला एंगल हो गया बड़का थीटा हो गया, बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया ए बी का लेंथ कितना है तो आर है, आर है, और यहाँ पे ये पूरा लंबाई क्या है तो एल है, इसलिए यहाँ पे एल यहाँ पे आ जाएगा, एल बराबर क्या हो जाएगा ये आठ को थीटा से बना करेंगे तो आठ थीटा, इसीलिए ये फॉर्मूला ऐसे आ जाएगा, ठीक है प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे आर इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बटे थीटा, ठीक है ये हो जाएगा, या तो थीटा आर क्या हो जाएगा एल बाई आर, ये फॉर्मूला तीन को हो जाता है। तो आप इसको इस पर आप कोई भी सवाल आएगा तो आप बना सकते हैं, यहाँ पे आपको ये पता होगा मेयर में ये चीज है, ठीक है एल इज लेंथ ऑफ आर और यहाँ पे आर इज रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है रेडियस ऑफ सर्कल एंड थीटा इज एंगल इज रेडियस, क्लियर इतना हो जाएगा। तो जितने जो भी सवाल होगा आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है जैसे कि आपको मान लो एक एग्जांपल आपको बता देते हैं कि अगर आपको बोल दिया जाए कि थीटा बराबर यानी कि एंगल जो बनाता है ये सेंटर पे वो 45 एंगल बनाता है, ठीक है और यहाँ पे लेंथ ऑफ आर यानी कि लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है ये दिया हुआ आपको कितना मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको एरिया कितना होगा आर इक्वल टू आर, ठीक है ये क्वेश्चन पूछेगा इसमें, क्लियर तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या है 45 एंगल है, इसको हम क्या करेंगे 45 को पाई बटे 180 में बदल देंगे यानी कि हमको रेडियन बदलना पड़ेगा, ठीक है डिग्री में आपको पता है कि है ना कि सर्कुलर में सर्कुलर सिस्टम जो है वो रेडियन में मेजर होगा एंगल का, ठीक है इसीलिए यहाँ पे 45 इंटू पाई बटा 100 इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4 और पाई बटा क्या हो गया 4, अब हमारा लेंथ कितना आएगा देखने के बाद चाहिए, तो अब यहाँ पे पाई फॉर्मूला, ठीक है पाई फॉर्मूला से जाइएगा क्या होता है कि एल इक्वल टू आर थीटा होता है, एल का लेंथ यहाँ पे 10 दिया है और आर का लंबाई दिया है, थीटा का मान क्या हो गया पाई बटा 100 पाई बटा 4, ठीक है तो 4 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा तो 10 गुणे 4 बटा पाई, तो यहाँ पे 10 गुणे 4 यानी 40 आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा पाई का मान 22 और बटा में 7 होता है, तो अब इसको क्या करेंगे ये 40 हो गया ऊपर में और गुणे में आएगा 4 7 गुणे में 7 नीचे में आएगा 22 काटेंगे इसको तो कितना आएगा 11 और यहाँ पे 20 20 सत्य कितना आ जाता है 140 बट्टा में क्या आएगा 11 इतना सेंटीमीटर आएगा, ठीक है अगर ये सब सेंटीमीटर में है तो इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं देयरफोर रेडियस ऑफ सर्किल रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा इसको पॉइंट भी निकाल सकते हैं चाहे तो 11 बन जाए 11, ठीक है तो यहाँ पे 3 बचेगा 11 2 जा 22 और फिर यहाँ पे 8 बचेगा तो यहाँ पे 11 7 जा फिर यहाँ पे 77 बचेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट कितना आएगा और यहाँ पे 5 लगा दीजिए सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, ठीक है ये हो गया हमारा क्लियर। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसके बाद मैं आपको कल बताऊंगा जो आपका यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट में आपको कौन सा होता है पॉजिटिव, ठीक है इसमें आप याद रखिएगा कि ऑल मतलब पहला में याद रखिएगा पहले ऑल एंड स्कूल, ठीक है ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है ये प्रथम पाद होता है, ठीक है ये प्रथम द्वितीय पाद होता है तृतीय पाद होता है और ये चतुर्थ पाद होता है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट ऑल स्कूल टू कॉलेज ऐसे याद रखिएगा और कल मैं आपको इसमें पूरा बताऊंगा, ठीक है आपको ये तो पूरा याद हो जाएगा, ठीक है और मतलब सभी हो जाएगा त्रिकोणमिति का जितना फंक्शन है ज्योमेट्रिक फंक्शन की बात बोल रहे हो और ज्योमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे भी यानी कि ज्योमेट्रिक फंक्शन, ठीक है एस मतलब प्लस साइन, ठीक है तो इसलिए आपको बताएंगे कल बताएंगे और समझ में आ जाएगा, ठीक है तो चलिए नोट कर लीजिएगा और सवाल देखिएगा और आके कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए सेक्शन और लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आज के लिए।